पहले से परेशान हो रही है और शरीर में तेज दर्द होता है। खून की तुरंत जांच करवाएं और डॉक्टर द्वारा दी गई सलाह एवं दवा का सेवन करें। साथ ही ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं और स्वच्छता का ध्यान रखें। यदि सिकल सेल से पीड़ित युवक और युवती आपस में शादी करते हैं तो उनकी संतान में यह बीमारी होने का खतरा बहुत अधिक रहता है। इसलिए शादी से पहले लड़का और लड़की के खून की जांच जरूर करवाएं ताकि इस बीमारी को आने वाली पीढ़ी में फैलने से रोका जा सके। आइए सिकल सेल एनीमिया बीमारी को जानें और इसे रोकें। आजादी के अमृत काल में हमें देश के समावेशी विकास के लिए वचनबद्ध प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के आदिवासी समुदायों को सिकल सेल एनीमिया की बीमारी से मुक्त करने का प्रण लिया है और शुरू किया राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन। बीते 9 वर्षों में भारत में भी स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बहुत ईमानदारी से बहुत कुशलता से कार्य करने का प्रयास किया गया। इस मिशन के तहत वर्ष 2025-26 तक लगभग 7 करोड़ लोगों की जांच होगी। आउटरीच कैंप लगाए जाएंगे, रोकथाम के लिए परामर्श दिया जाएगा। इसमें आपका सहयोग भी जरूरी है, इसलिए शादी के समय और गर्भ धारण के बाद अपनी सिकल सेल एनीमिया की जांच जरूर करवाएं। साथ ही साथ अगर आप में या आपके परिवार के किसी सदस्य में एनीमिया यानी खून की कमी, आंखों में पीलापन के साथ साथ बदन में तेज दर्द हो, कोहनी और घुटनों में सूजन लगे या बार बार बुखार आ जाता हो तो निकट के स्वास्थ्य उपकेंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों या विशेष अभियान शिविरों में जाकर सिकल सेल एनीमिया की जांच अवश्य कराएं। सिकल सेल एनीमिया मुक्त समृद्ध भारत बनाएं। होगा समृद्ध भारत मेरा समावेशी विकास होगा सिकल सेल एनीमिया जल्द देश से साफ होगा कर लिया भारत सरकार ने इस बीमारी को मिटा देंगे हम भी जांच करा कर एक अनुवांशिक बीमारी है। एनीमिया यानी खून की कमी, आंखों में पीलापन के साथ साथ बदन में तेज दर्द हो, कोहनी और घुटनों में सूजन लगे या बार बार बुखार आ जाता हो तो ये सिकल सेल एनीमिया हो सकता है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसे खत्म करने के लिए राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन कार्यक्रम चलाया है। तो आज ही अपने नजदीकी आयुष्मान हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जाकर जांच कराते हैं और सिकल सेल एनीमिया का नामो निशान मिटाते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की